लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस्टर बहरोज सब्जवारी। यार आज आप बहरोज की तरह हैंडसम लग रहे हैं। He's my favorite. ये मुस्तफा जो है and I hate you and I love you too. अभी आज के शो के बाद आपका ओपिनियन चेंज हो चुका होगा। okay. वैसे भी जो है किसी को शिद्दत से चाहो तो उसको नफरत कहते हैं। और तभी पूरी कायनात उसकी तरफ डाइवर्ट कर देती है आपको। लेकिन मैं बहरहाल बहरोज भाई से मजाक करेंगे। पढ़ी लिखी बात यहाँ से बहरोज भाई कि जो सबसे अच्छी बात है एंड आई एम प्रीवी टू दिस, अल्लाह ताला इनको और खुशियां दे कामयाबियां दे। अगर खुदा की कसम तुम आज नया घर लोगे गाड़ी लोगे तुम्हें कोई जॉब मिलेगी कुछ होगा, ही विल बी द फर्स्ट वन टू कॉल यू। आप किसी प्रॉब्लम में आ जाए आपको किसी चीज की जरूरत है आप इसी वक्त मैसेज करें 15 मिनट्स ही रिस्पॉन्स। ये क्वालिटी नहीं अल्लाह ताला की देन है कि ये। थैंक यू वेरी मच बहरोज भाई। आई कैन गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल बट इसका शुक्रिया नहीं होता। असल में अल्लाह पाक आपको शोहरत इज्जत इसीलिए देता है कि आप दूसरों के काम आए। बिल्कुल वेल सेड, दिस इज 100% मैंने आजमाया ये और पिछली 50 दहाइयों से ज्यादा पांच दहाइयों से 50 तो 500 हो जाएगी। हाँ, यार पांच पांच। हाँ। असल में तुम्हारी शक्ल देख के अजीब सा हो जाता है। पांच दहाइयों से ज्यादा नहीं बट साहब सीरियसली कह रहा हूँ अल्लाह ने बड़ा नवाजा है उसका वक्त तो हम पे कर्ज है हर इंसान पे हर इंसान पे कर्ज है जिसको अल्लाह पाक ने नवाजा है। अल्लाह ताला सबको नवाजता है लेकिन अल्लाह के बांट के तरीके डिफरेंट हैं वो उसमें हम पंगा नहीं ले सकते। बिल्कुल सही। पाकिस्तान पे भी बहुत नवाजा है और अब इस दफा शहबाजा है। और हर पाकिस्तानी पे उतना ही कर्ज है जितना बहरोज भाई महसूस कर रहे हैं। लेकिन बहरोज भाई की एक बात बड़ी अच्छी है कि ये कर्ज इन्होंने हर किसी को चुकाया है।